तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से हर स्टेट को अलग अलग योजना में हम पैसा दे रहे हैं। ये पैसा का यूटिलाइज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे स्टेट में केंद्र सरकार के साथ काम करने का इच्छा नहीं है। मुझे दिख रहा है उड़ीसा में इसी में एक है। बहुत सारे योजना है प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट इधर नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है मुझे पता नहीं। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला है। पूरा ओडिशा में 30 जिला में 10 जिला आकांक्षी जिलाएं हैं। क्यों? इतना साल राज करने के बाद भी, इतना पैसा मिलने के बाद भी, किसान इतना अच्छा उगाने के बाद भी, इतना लोग मेहनत करने के बाद भी आकांक्षी जिला क्यों होती है? क्योंकि राज्य का पैसा केंद्र का पैसा को ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं, लोगों तक पहुंचाते नहीं है एंड मदद देते नहीं है। इसके कारण से आकांक्षी जिला होती है। इधर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज नहीं है, कुछ ट्रेनिंग का कॉलेज नहीं है, आईटीआई नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, रेलवे अभी तक नहीं पहुंचा है, रेलवे का लाइन नहीं है 75 साल के बाद भी। एंड अच्छा सुविधा हम नहीं देने के कारण ये आकांक्षी जिला ऐसे रह गई है। एंड 70% पॉपुलेशन इधर SC ST लोग हैं, पुअर कंडीशन में है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग से एक सर्वे बनाया था। ये सर्वे में ये जिला भी, नवरंगपुर जिला भी आकांक्षी जिला में चुन के आए हैं। नीति आयोग से इधर बहुत कुछ सारे प्रोग्राम दिया है, इसको आगे लेके आने के लिए क्या करना है। इधर स्किल डेवलपमेंट का प्लानिंग करना, एजुकेशन अच्छा करना, हेल्थ एंड फैमिली सिस्टम को अच्छा बनाना, हॉस्पिटल अच्छा बनाना, ये सिस्टम अच्छे करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रहे हैं। ये पैसा का, एक एक पैसा का काम भी होना चाहिए। वो क्या चाहते हैं? इधर घर ठीक से नहीं हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना वो नहीं बना रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त में 5 किलो राइस 1 किलो दाल मिल रहे हैं, केंद्र सरकार दे रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसे? केवल हम वोट लेने के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में है। पहले राजा थे, वो इसका इच्छा का अनुसार वो काम करते थे। अभी ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोगों से हम चुन के आए हैं। हमारा दायित्व है लोगों का टैक्स का एक एक पैसा को हम वापस देने के लिए। इसलिए मैं नवीन पटनायक जी को, BJD सरकार को विनंती करती हूँ, केंद्र सरकार इतना मदद करने का बावजूद भी इधर काम बहुत स्लो चल रहा है, धीरे से चल रहा है। इसको आगे लेके जाने के लिए आपका मदद चाहिए। केंद्र सरकार पैसा दे सकते हैं, केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दे सकते हैं, केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। काम करने वाले स्टेट वाले हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट फेडरल सिस्टम में स्टेट चलाते हैं। मेरा कृषि, मैं कृषि का मंत्री हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में इधर सब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का निधि मिलना चाहिए था। 2,70,000 फैमिलीज ये जिला में, एक ही जिला में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मिल रहा है केवल 1,21,000 को। क्यों? इधर इतना बड़ा, बहुत बड़ा किसान नहीं है, गरीब किसान है, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने अभी हमारे ऑफिसर्स को बिठा के DC कलेक्टर के सामने, साहब का सामने मैंने बताई है ये सब योजना को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इधर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए एक सर्वे करवाइए, आपका ऑफिसर्स को एक्टिव बनाइए एंड सब योजना सबको मिलना चाहिए। इसी से
फार्मर्स का डबल दी इनकम कब होती है, हम पूरा योजना देने के बाद ही होती है। 270,000 फार्मर्स किधर है एंड 121,000 फार्मर्स किधर है, इतना अंतर क्यों? इसलिए मैं विनंती करती हूँ राज्य सरकार को, राजनीति हम करेंगे चुनाव के समय में, पॉलिटिक्स हम करेंगे चुनाव के समय में, एक महीना दो महीने हम करेंगे, बीजेडी बीजेपी कांग्रेस सब लड़ाई लड़ेंगे। हम अभी लोगों के लिए है, हम चुन के आए लोगों के लिए है, इसीलिए इसी में विकास का योजना में राजनीति नहीं आना। जल जीवन मिशन नाम ही नहीं है इधर, जल जीवन मिशन को हम 400 करोड़ रुपये दिया है, प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं है, जल जीवन मिशन का नाम ही नहीं है, क्यों ऐसा होती है? इसीलिए साथ में मिलके काम करेंगे, फेडरल सिस्टम है, स्टेट एंड सेंट्रल मिलके काम करना है। मैं विनंती करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, बीजेडी को, साथ में मिलके काम करेंगे, आपको कुछ भी मदद देने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए, पैसा देने के लिए केंद्र सरकार तैयार बैठी है। मोदी जी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, सबको एक साथ मानते हैं, इसीलिए आपका मदद चाहिए, आप लोगों के लिए काम कीजिए, बस इतना ही है, धन्यवाद।